नमस्कार, मैं डेजी रॉय आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बेदाग चेहरा के लिए एक टोनर और एक पैक बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेकअप करने के बाद तो सब लोग सुंदर बन जाते हैं, लेकिन बिना मेकअप का अगर सुंदर रहे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना मेकअप का मैं आपके चेहरे को ग्लो कैसे आए वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, और वो भी आपके किचन से। तो फ्रेंड, किचन में सबके यहाँ ये चीज उपलब्ध रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। तो ये है जीरा। जीरा, पुराने जमाने में जीरे का उपयोग इस तरीके से करते थे लोग। सन टैन की अगर दाग है तो वो भी खत्म होगा। मुहासों की दाग है, पुराने से पुराने मुहासों के दाग को ये बिल्कुल खत्म कर देता है। और अगर झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म करेगा। तो जैसे आपके दाग हटेंगे, वो सारे दाग हटने के बाद सुंदर सा ग्लो किया हुआ चेहरा आपके सामने रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मेरे चेहरे पे कुछ ही नहीं मैं मेकअप की हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं मेकअप, आप जितने भी वीडियो आप मेरे देखते होंगे उसमें मैं मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, कभी भी नहीं। सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मैं लिप बाम लगाती हूँ, बाकी कभी भी मेकअप नहीं करती। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे टोनर और फेस पैक बनाने के लिए जीरे का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है जीरा। एक चम्मच जीरे से आपका ये दोनों चीज़ तैयार हो जाएगा। तो एक चम्मच जीरे को अच्छे से आपको अच्छे पानी में, आरओ के पानी में इसे सोख करके रख देना है ओवरनाइट। और सुबह में जब इसे देखेंगे तो आपका इस तरीके का हो जाएगा। जीरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपकी स्किन को एकदम साफ बेदाग बना देता है। और उसे इस तरीके से छन्नी से छान लीजिए, और आप किसी कंटेनर में या स्प्रे बोतल में या जिसमें आपको रखना है आप रख लीजिए, और इसे रख के 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन इसे फ्रिज में आपको रखना पड़ेगा। और ये जो बचा हुआ जीरा है इसका आप पेस्ट बना लीजिए इस तरीके से, जिससे भी बनाना है, मिक्सी में बनाना है या कोई भी ऐसे सीलोट पे बनाना है, वो कोई भी चीज़ से आप इसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। और इसमें मिलाऊंगी मैं बेसन। बेसन 2 चम्मच के हिसाब से मिला रही हूँ, और जिस तरी इतना मिलाना है आपको जितना कि आपका अच्छा सा पेस्ट बन जाए और उसे चेहरे पे लगाने में आसानी रहे। बेसन में भी वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, आपके स्किन को सॉफ्ट बनाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन हो जाता है। अगर आप डेली बेसन का उपयोग करते हैं अपने फेस के लिए तो आपके स्किन पे कभी भी झुर्रियाँ नहीं आएगी, ये बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊँगी जो कि और भी बहुत ही अच्छा है। इसमें सबसे पहले आपको इसका लम्स वगैरह सबको अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि बेसन में ठंडे पानी में जब बेसन जाता है तो लम्स बन जाता है, इसलिए अच्छे से इसे मिला के पेस्ट बना लेना है। और जब ये अच्छे से मिल जाए तो उसके बाद से मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास हैं तो विटामिन ई के कैप्सूल डालें, अगर नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें बादाम ऑयल ही डाल रही हूँ। बादाम ऑयल आपके स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, आपके स्किन में सुंदरता और भी इन्हेंस कर देता है, सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से मैं 2 ड्रॉप्स इसमें आलमंड ऑयल डाली हूँ, और इस सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे अपने फेस पे यूज करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको बना करके अपने फेस पे लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कर देना। तो ये है जीरे का पानी जी। तो ये आपको इस तरीके से इसे डिप करना है और पूरे चेहरे पे इस तरीके से, जैसे आप टोनर का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से आप इसे फेस पे लगा लीजिए। और डेली इसे सुबह उठ करके, डेली जैसे टोनर यूज करते हैं उस तरीके से आप डेली इसे अपने फेस को पोछ लीजिए और रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। जब नहाने जाते हैं, नहाने के टाइम में उसी जीरे को आपको क्या करना है, इस तरीके से पैक बना लेना है, इस तरीके से पैक बना लेना है और पूरे फेस पे आपको इसे लगाना है। तो मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। लगाने के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट इसे सूखने देना है और इसे रब करके इसे हटा देना है।